ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम तो गुरुर्कृपा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तंड शंभूतम तम नमामि शनेश्चरम। ओम शम शनेश्चराय नमः। ओम शम शनेश्चराय नमः। नमो नारायण। 6 मई सन 2015 और बुधवार का दिन है, और हर रोज की तरह गुरुवाणी में आपके सामने हूं। अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव, गुरु महाराज दिए ज्ञान और अपनी सेवा का संपूर्ण निचोड़ गुरुवाणी में उड़ेल लाता हूं। और राष्ट्र, मेरी प्रार्थना हमेशा रही है कि मेरा अनुभव है, और अनुभव किसी पर भी लादना उचित नहीं माना जाता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हर प्राणी के पास है, और वो जरूर लेना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सदा सुखी रहे। गुरुवाणी भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर की एक सुंदर खुशबू है, जिन्हें बांटने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और हृदय से बांटने आता हूं। तब भी इस राष्ट्र से हमेशा कहा है कि कहीं भूल हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुवाणी में रोज ये बता दो कि आपका दिन कैसे शुभ हो, आपका जीवन कैसे संतुलित हो, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि कैसे हो, और आप स्वयं उस सुख और सौभाग्य का उपभोग कैसे कर सके, कैसे बढ़ोतरी हो समृद्धि में, यह है गुरुवाणी। और आज बुधवार का दिन है, आज के दिन विघ्नहर्ता गणपति का दिन है। कैसे गणपति को प्रसन्न करें कि संपूर्ण विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिल जाए, वो पूछा और वो मंत्र लाया हूं। आज का जीवन मंत्र है, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए उपाय है, और यात्रा पर जाने से पहले क्या करें उसकी सलाह है, वास्तु सलाह है, विशेष सुझाव है। कई अंग में सूजन आ गई तो देसी नुस्खे और धनवश्य उपाय है। लेकिन उससे पहले और चर्चा करूं, उससे पहले मैं बता रहा था पिछले 2 दिनों से कि दशम भाव हमारी कैरियर और कारोबार का भाव है। उस भाव में कौन सा ग्रह है, और हम जो ग्रह हैं तो हम क्या करें, सूर्य तो हम क्या करें, चंद्रमा है तो हम क्या करें, मंगल है तो हम क्या करें, बुध है तो हम क्या करें, बृहस्पति हो तो हम क्या करें, शुक्र और शनिदेव और राहुदेव और केतुदेव तो हम क्या करें, क्योंकि ये सहायता देता है कि दशम भाव की इस ये जातक इस और रुचि ले जाएगा। ये 100% सही ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अनुभव में आया कि ये लगभग लगभग वैसा ही होता है जैसा दशम भाव में जो ग्रह विराजमान होता है। आज मैं दिवादेव शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव की बात करूंगा। यदि दशम भाव में देवादिदेव शनिदेव विराजमान है, तो भूमि से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार खूब फलेगा, अद्भुत रहेगा ये भूमि से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार। लोहा और पीतल की धातु का व्यापार खूब लाभ देगा, और इनसे निर्मित वस्तुओं का व्यापार भी दशम शनिदेव रहने से लाभ मिलेगा। शनिदेव दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, कृषि संबंधी कार्य बहुत लाभ देगा, निजी फार्म हाउस, सरकारी सेवा में इंजीनियर ऑफिसर, मतलब कि देवाधिदेव शनिदेव जीवन में क्रियात्मक, हमेशा एक्टिव बना के रखते हैं, गतिशील रखते हैं, क्रियाशील रखते हैं, और जीवन खुशियों से भरा रहता है। नमना रहे। और बात करते हैं राहु और केतु की। मैंने जो देखा है वो मैं कह रहा हूं, राहु और केतु देव के व्यवसाय इनसे संबंधित ग्रहों के अनुसार जाने जाते। राहु और केतु देव कुंडली में जिस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि
राहु और केतुदेव मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि से संबंधित, उस राशि के स्वामी से संबंधित कार्य फलीभूत करेगा। वृषभ राशि में तो वृषभ राशि में, मिथुन राशि का तो मिथुन राशि जैसे, कर्क राशि तो कर्क राशि जैसे, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन, जिस राशि में राहु और केतु देव विराजमान दशम भाव में रहेंगे उस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस राशि के ग्रह के व्यवसाय की व्यवसाय ही राहु केतु के व्यवसाय माने जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है और पाया भी है। तो मैंने पिछले कई दिनों से थोड़ा 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 ज्योतिषीय ज्ञान जो आपके लिए जरूरी है वही बता रहा हूं, ज्योतिष नहीं सिखा रहा हूं। जैसे सवाल आते हैं मैं उन सवालों का समाधान करने का प्रयास करता हूं, और ये प्रयास ही गुरुवाणी है। उपाय बताऊं, टोटके बताऊं, उससे पहले बुधवार के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम शुद्ध 2072 वैशाख मास की 23 प्रविष्ट, सक्षम 1937 वैशाख 16 तदनुसार बुधवार 6 मई सन 2015 और बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं बुधवार की यात्रा की। शास्त्र कहते हैं कि उत्तर दिशा की यात्रा बुधवार के दिन कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। मैं ये कहता हूं आप किसी दिशा में जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुधवार के दिन गणपति के श्री चरणों में घी का दीपक जलाई, दुर्वा अर्पित करी और धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन, बात करते जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी आज शादी की साल। 6 मई आपका जन्मदिन या 6 मई आपकी शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में सदा देवादिदेव शनिदेव कृपावान रहे, मेरी खूब प्रार्थना प्रभु से। 6 मई आपकी शादी की सालग्रह है और जीवन में कहीं परेशानियां है, भगवान शिव की उपासना करिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और हर रोज लगातार 43 दिन सफेद सुगंधित पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 6 मई आपका जन्मदिन है, निजगत कर्मों की वजह से आपके जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार, स्वास्थ्य, कैरियर, कारोबार को लेकर हमेशा आप दुखी रहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। सर्वप्रथम एक बात ध्यान रखिएगा, नारी का सम्मान करें, न समाज विरोधी, न परिवार विरोधी, न सरकार विरोधी कोई कार्य करें। उसके साथ जब भी आप नहाएं तो नहाते समय जल में थोड़ा सा दही डालकर नहाएं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज भोजन से पूर्व गाय को रोटी खिलाना, उसके बाद स्वयं भोजन करना लाभकारी रहेगा। और कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए किसी भी दिन श्रद्धानु सतानाजा गौशाला में दान देंगे तो सारे कष्ट मिटेंगे। नमन है। और बात करते हैं बुधवार के जीवन मंत्र की। किसी ने कहा दाती महाराज धर्म पर्सन हो, धर्म सवाल हो तो जवाब क्या होगा। देखिए मुझे नहीं मालूम कि मंतव्य आपका क्या है, लेकिन जिस धर्म की चर्चा मैं करता हूं न वो प्रश्न है न सवाल है, सवाल और उत्तर से बहुत परे है वो धर्म। लेकिन आप संसारिक रूप से बात कर रहे हैं और आप संसारिक रूप से ये बात पूछ रहे हैं कि धर्म सवाल है तो जवाब क्या है, तो मेरा विश्वास करना यदि धर्म सवाल है तो धर्म का जवाब भी धर्म ही होगा। धर्म सवाल है तो जवाब भी धर्म ही होगा, क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण में बैठे हैं। यदि आपको मान चाहिए तो आपको लोगों को मान देना होगा, और आपको प्यार चाहिए तो लोगों को प्यार देना होगा। जैसा व्यवहार आप लोगों से अपेक्षा करते हैं वैसा ही व्यवहार करना धर्म है। जो आपके लिए व्यवहार प्रतिकूल लग रहा है ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए मत करो, इस बात का ध्यान। धर्म का मतलब उन मूल्यों को धारण करना जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं परमानंद,
हम चाहते शांति, और ये सारा खेल समझ का है। ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे, ऐसे संत महात्मा भी कहते हैं कि सारा खेल समझ का है। समझ से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। जैसी हमारी सोच होगी उसी तरह की हम विकसित अपने देश को कर पाएंगे। कभी भी संसारिक दृष्टिकोण में धर्म को युद्ध के रूप में नहीं देखा जाता है, शुद्ध के रूप में देखा जाता है, क्योंकि धर्म हमेशा शुद्ध के रूप में देखा जाना चाहिए। और यह भी मैंने देखा है कि केवल राजसत्ता से समाज को राह पर नहीं लाया जा सकता, उसमें धर्म का सहयोग चाहिए। राजनीति में धर्म का आशीर्वाद जरूर चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं चाहिए। क्योंकि ये मैंने देखा कि जब जब धर्म राजनीति में गया है राष्ट्र का विकास हुआ, लेकिन जब तक धर्म में राजनीति आई राष्ट्र उन्नति नहीं हो पाया, राष्ट्र में प्रगति नहीं हो पाई। ध्यान रखना, इसलिए धर्म को राजनीति से हमेशा दूर रखना चाहिए। धर्म का काम है राजनीतिज्ञों को शिक्षा देना, समझ देना, सोच देना। धर्म दिशा है, क्योंकि राजनीति की बात गति है तो दिशा नहीं है। धर्म के पास दिशा है, गति नहीं है। राजनीति में गति है, राजनीति में दिशा चाहिए तो धर्म का साथ चाहिए। क्योंकि राजसत्ता लोगों का चेहरा तो जरूर बदल सकती है, लेकिन किसी आदमी का चरित्र बदलना हो तो धर्म चाहिए। ध्यान रखिए, अब मैं ज्यादा इस विषय पर बोलता नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा बड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि विषय चर्चाओं का नहीं, इसमें विचार करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। इस समय छोटे सा ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भगवान गणपति को कैसे मनाए कि संपूर्ण विघ्न परेशानियों से मुक्ति मिले, वो पूजा, वो मंत्र, कुछ नुस्खे, कुछ उपाय, धन भर से उपाय लेके आऊंगा। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद नमो नारायण। नमो नारायण। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है? क्या अपनों का सुख नहीं मिल रहा है? या कैरियर और नौकरी में आप परेशान हैं? क्या संतान सुख नहीं है? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है? या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका, जो आपके हर कष्ट को हरेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब रत्न विचार, काल सर्प मांगलिक विचार, साढ़े साथी आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी है। आपके जीवन में आप कैसे उन्नति की राह की ओर बढ़ सकते हैं, इसका भी उपाय इस जन्म पत्रिका में निहित है। क्योंकि आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। इसको पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0991069200, 0941412460, 0971745765 एंड 0112665300। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.shanidham.in। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, दाते महाराज, पारिवारिक जीवन में विघ्न और बाधाओं का सामना करना, कैरियर और कारोबार में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, नौकरी में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उठापटक है जीवन में, इन विघ्न और बाधाओं से कैसे मुक्ति मिले, जरा बता दीजिए। क्यों ने भगवान गणपति को मना, भगवान गणपति को विघ्न हर्ता कहते हैं। अब भगवान गणपति को कैसे मनाए, थोड़ा सा इंतजार, वो पूजा और वो मंत्र बताऊंगा,
चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए उपाय बताऊंगा, यात्रा पर जाने से पहले क्या करें वो बताऊंगा, वास्तु सलाह बताऊंगा, सुझाव दूंगा, किसी भी अंग में सूजन होगी तो देसी नुस्खे और धनवर से उपाय। लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इन आंखों में देखते ओम शाम शनिश्चरा का जाप भी करना होगा, तब ने तनाव मिटेगा, तब ने दुख मिटेगा, क्योंकि आज के दिन विघ्नहर्ता की पूजा का दिन, गणपति विघ्नहर्ता है। यदि आपके कार्य में अनावश्यक विघ्न आ रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में अनावश्यक विघ्न आ रहे हैं, आपकी संतान की शादी में विघ्न आ रहे हैं, आपको कारोबार कैरियर स्वास्थ्य और परिवार में विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज के दिन नित्य क्रम नियुक्त स्नान उपरांत भगवान गणपति का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, सदानुसार मोदक का भोग लगाइए, सुदासन पर बैठ जाइए, ओम गज करणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आंख के नीले पुष्प अर्पित करिए और लगातार 40 बुधवार करके देखेगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। नमो नारायण। कुछ लोग सवाल करिए, एक दाती महाराज धन है, सब कुछ है हमारे, लेकिन हम अपनी चल और अचल संपत्ति नहीं खरीद पा रहे, हम क्या करें? यदि प्रयासों के बावजूद भी चल अचल संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये उपाय अद्भुत रहेगा और इसको अवश्य करें। ये उपाय त्रयोदशी और बुधवार के दिन यानी बुध प्रदोष व्रत के दिन राहु काल के दौरान करें। राहु काल के दौरान मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार शहद भरकर उसमें 11 लौंग 11 इलायची 11 तांबे के सिक्के डालकर ढक्कन लगाकर अपने में 7 बार उसार कर माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में रख के आ जाए, ऐसा 11 बुधवार करें राहु काल के दौरान। प्रत्येक बुधवार को गरीब और निर्धन व्यक्ति को भोजन जरूर कराए। हर रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाए। ये तीनों उपाय आपको अवश्य लाभ देंगे चल और असल संपत्ति पाने में। नमन है। और बात करते हैं यात्रा पे जाने से पहले क्या करें। आप जाते कि आपको जिस काम पे जा रहे उस काम में सफलता मिले, किसी भी काम के लिए आप बाहर निकले आपको सफलता मिले, तो एक नारियल ले लीजिए, उसको हाथ में लेकर 11 बार ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते धरती पर फोड़ दें, उज्जल को अपने ऊपर छिड़ दें और नारियल की गिरी को लोगों में बांट दीजिए, खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, यात्रा सफल होगी और काम बन जाएगा। और बात करते हैं वास्तु सलाह की। फूल वाले पौधे हमेशा घर के सामने वाले आंगन में लगाए। यदि फूल वाले पौधे मकान के पीछे लगानेंगे तो मानसिक कमजोरी का बढ़ावा मिलेगा, ध्यान रखना। मकान के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हरियाली वाले पौधे जैसे तुलसी हो गया, मनी प्लांट, ये लगाना अच्छा माना जाता है। और बात करते हैं बुधवार के सुझाव की। यदि बार बार अपना उच्च रक्तचाप से आप पीड़ित रहते हैं तो आज बुधवार का दिन है, अभिजीत मुहूर्त में काजू रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने धागे में डालकर गले में धारण करिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये सुंदर उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। नमनार बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि शरीर के किसी भी अंग में सूजन है और सूजन के साथ साथ पेशाब कम आता है, सर्वप्रथम आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन साथ साथ ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आयुर्वेद को, इनको भी आप अजमा सकते हैं। तो पेशाब कम आ रहे हो, मंदाग्नि हो, नेत्रों के आसपास विशेष रूप से चेहरे में सूजन आ गए हो, तो लगातार कुछ दिन अनानास का सेवन करने से लाभ मिलेगा। केवल दूध पी के देखिए कुछ दिन, बड़ा लाभ मिलेगा, ये अद्भुत है। यदि शरीर किसी भी भाग में सूजन है तो अरंड के पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर सूजन वाली जगह पर रात को बांध कर सो जाए, इसे खूब लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगी या मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र में मिल जाएगी। बात करते बुधवार के धन बरसे उपाय। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा हो, कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, कारोबार में लाभ नहीं रहा हो रहा हो, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के दिन अपने घर के ईशान कोण में चौकी पर शुद्ध वस्त्र बिछाकर प्रदोष काल में मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी जी की स्थापना करिए, श्रद्धापूर्वक पंचप्रार पूजन करें, मिट्टी के दीप में गाय का घी दीपक घी भरकर कलावे की बत्ती बनाकर दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक में थोड़ी सी केसर डाल दें। ओम ओम मति जीविकाय नमः, ओम मति जीविकाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें,
कुछ दिन करके देखिए, अवश्य धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। ये समय छोटा सा ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। मातृत्व नारी जीवन का सौभाग्य है। नारी के जीवन में मातृत्व ही वह अवसर होता है जब वह अपनी वात्सल्य शक्ति से इस धरती पर आने वाले जीव को सशक्त एवं स्वस्थ तन, प्रसन्न एवं समृद्ध मन तथा पावन जीवन से संपन्न करती है। माँ की ममता, माँ की सेवा, माँ की कुर्बानी तथा माँ के मार्गदर्शन से ही मनुष्य अच्छे बुरे का अंतर जान पाता है। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जिस भारतवर्ष में नारी को महादुर्गा, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी नारी, उसी जननी की समाज में अनदेखी के कारण प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। मातृत्व का आनंद, मातृत्व की अनुभूति एवं मातृत्व का एहसास किए बिना वह दुनिया से चल बसती है। कारण, गर्भावस्था के दौरान उसका उचित इलाज नहीं हो पाता, अतः लगातार बढ़ती मृत्यु दर को रोकने, उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राजस्थान के जिला पाली में एक अनूठी योजना संचालित की जा रही है। श्री शनिधाम ट्रस्ट के प्रणेता शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज के सानिध्य में जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती मातृत्व बीमा योजना का संचालन हो रहा है। दाती मातृत्व बीमा योजना के अंतर्गत प्रसव से पूर्व महिला की मृत्यु पर उसके परिवार को 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किया जाता है। प्रसवोपरांत मृत्यु एवं संतान जीवित कन्या है तो उस कन्या के नाम उसके पिता के माध्यम से क्रमशः 21,000 एवं 25,000 रुपए के दो राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रसव के पश्चात महिला की मृत्यु तथा संतान जीवित पुत्र होने की स्थिति में पुत्र के नाम उसके पिता के माध्यम से 5,100 तथा 25,000 रुपए के दो राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाते हैं। यदि प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिवार को 25,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ तथा मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों को भी नकद उपहार एवं अन्य सामान देकर सम्मानित किया जाता है। परंतु यह ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलता है जिनका विवाह 18 वर्ष बाद हुआ है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला को गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल में पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। गर्भवती महिला की नियमित जांच एवं सभी प्रकार के टीके लगवाना भी अति आवश्यक है। दाती मातृत्व बीमा योजना के अंतर्गत महिला तथा उसके परिवार से कोई राशि नहीं ली जाती। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम चलते हैं। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम।
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान से मेरी प्रार्थना, शनिदेव से मेरी प्रार्थना, मेरी कामना भी है। गुरुवाणी में आज इतना, कल गुरुवाणी में भगवान हरि विष्णु को कैसे मनाया जाए इस बात पर चर्चा करूंगा। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन्वर से उपाय भी लाऊंगा। आज अपनी गुनाह, अपनी गलती, अपनी नासमझी की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।